अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं जानती हूँ खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में खिचड़ी और दूध खाने वाली हूँ और रेहान को तोस और चाय देने वाली हूँ। देखो ये रेहान के मैंने तोस और चाय रेडी किया है। रेहान तोस और चाय खाने बैठा है। आज रेहान जल्दी उड़ गया है 8:45 बजे। आज इसका 11 बजे का स्कूल टाइमिंग है। मैं चाय पी रही हूँ और रेहान मोबाइल देखते देखते खाता है। देखिए मोबाइल उसके हाथ में है। रेहान बाबू क्या देख रहे हो? ये क्या है? ये वीडियो। वीडियो देख रहा है। देखा रेहान बाबू वीडियो देख रहा है। वीडियो में क्या है? ओ ये देख रहे हो। हाँ ये रेहान का आज फ्रेंडशिप डे है स्कूल में, तो इसके लिए ये हमने लिए बेल्ट, जो कि ये इसके फ्रेंड्स को स्कूल में बांधेगा। ये बेल्ट देखिए, तीन फ्रेंडशिप बेल्ट है। एक रेड ऑरेंज है, येलो ब्लैक है और पिंक ब्लैक है। अब ये रेहान जाएगा स्कूल। हाँ देखो रेहान बता रहा है ब्राउन भी है। अब ये रेहान स्कूल में जाके इसके फ्रेंड को बेल्ट बांधेगा। देखिए मैंने कपड़े यहाँ सुखाए थे, तो अब मैं इसको उठा रही हूँ ताकि इसको बांधना भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैंने ये कपड़े सब उतार लिए हैं रस्सी पे से। अब इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। मैंने रेहान के कपड़े भी फोल्डर कर लिए और हमने हमारे भी कपड़े फोल्डर कर लिए। अब मैं इसको जमाऊंगी। रेहान का अलग है कबाट, उसको रेहान के कपड़े उसी में जमाऊंगी और मैं ये कपड़े तिजोरी के अंदर जमाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आज बनाने वाली हूँ नूडल्स, और मैं आपको जो जो कट करके रखा हुआ है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये कोबीज है एक तरफ लीली प्याज है और एक तरफ सूखी प्याज, शिमला मिर्ची, लहसुन और गाजर। ये सब कैसे कट करके रखने का और कैसे नूडल्स बनाने की वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और दूसरी तरफ पानी उबालने का नूडल्स के लिए, उसमें कलर नाक देने का रेड कलर। देखिए ये पानी उबलने रखा है, इसके अंदर नूडल्स नाकने की, ताकि वो जो नूडल्स है वाइट वाली, जो ये वाइट वाली नूडल्स है ये यहाँ पे अंदर डाल देंगे तो रेड हो जाएगी। देखिए ये ऐसे नाकने का, अभी पानी अक्का उबल चुका है तो ये नूडल्स भी हो जाएगी। हो गई अपनी रेडी नूडल्स। कैसा अच्छा हुआ है। सबसे पहले लहसुन नाकने का तेल के अंदर। फिर सूखी प्याज कटी हुई। तो फ्रेंड्स लाल ये अपनों ने लहसुन नाक दिया और ये शिमला मिर्च नाकी। शिमला मिर्च को अच्छे से इसको हलाने का और उसके बाद लीली प्याज नाखने की। आप देख रहे हो मैंने लीली प्याज भी नाखी है। इसके बाद कोबीज नाखने का, कोबीज और उसके बाद आपकी गाजर। अच्छे से इसको चलाते जाने का और गाजर नाखने की। देखिए अब इसको अच्छा सा गुलाबी गुलाबी हो जाए, इसको अच्छे से चलाने का, हलाने का इसको। अच्छा सी इसको हो जाए गुलाबी गुलाबी, फिर अपने तीन बाटले जो मसाले के होते हैं, जैसे चिकन चिल्ली, चिल्ली सॉस, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, मसीर का, और उसके बाद नूडल्स नाक देंगे। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से हलाने का, इसको पकने देने का अच्छे से, मतलब ये चलाते जाने का, चलाते जाने का, जहाँ तक इसका कलर जो है डार्क ब्राउन ना हो जाए, और उस पर नूडल्स का मसाला भी नाखने का। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है नूडल्स। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।